मैं ये कहना चाहती हूँ मेरी बहन कि मुझे तेरे इंसाफ की जरूरत नहीं है, पहले तू इंसाफ कर दे उन नौजवानों के साथ जिनके साथ तूने ऑलरेडी आई डोंट नो 3-4 तूने कितनी शादी करी है। जब आप हमारी फैमिली को टारगेट कर रहे हो, गोलू को छिपकली कह रहे हो, अरमान जी को अब्यूज कर रहे हो, तो उसका हक आपको किसने दिया है? किसने आपको बोला, या मैं आपके घर आई थी या मैंने आपको कॉल किया था कि प्लीज मुझे इंसाफ दिलाओ? मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं। फिर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया, फॉलो भी क्यों किया आई डोंट नो, आपको लग रहा था कि मैं बाहर आ चुकी हूँ बिग बॉस हाउस से तो कुछ कॉन्ट्रोवर्सी मिलेगी या मैं किसी की बुराई करूंगी, मैं घर की कोई बात बोलूंगी। तो देखो हमारे घर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे किसी और से जो है इंसाफ लेना पड़े या किसी की दया की मुझे जो है जरूरत पड़े। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राखी सावंत की। जी हाँ, राखी सावंत की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आजकल जो है उसने हमारी फैमिली को टारगेट कर दिया है और उनका कहना है कि वो मुझे दिलाने वाली है इंसाफ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ मेरी बहन कि मुझे तेरे इंसाफ की जरूरत नहीं है, पहले तू इंसाफ कर दे उन नौजवानों के साथ जिनके साथ तूने ऑलरेडी आई डोंट नो 3-4 तूने कितनी शादी करी है। जब आप हमारी फैमिली को टारगेट कर रहे हो, गोलू को छिपकली कह रहे हो, अरमान जी को अब्यूज कर रहे हो, तो उसका हक आपको किसने दिया है? किसने आपको बोला, या मैं आपके घर आई थी या मैंने आपको कॉल किया था कि प्लीज मुझे इंसाफ दिलाओ? मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं। फिर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया, फॉलो भी क्यों किया आई डोंट नो, आपको लग रहा था कि मैं बाहर आ चुकी हूँ बिग बॉस हाउस से तो कुछ कॉन्ट्रोवर्सी मिलेगी या मैं किसी की बुराई करूंगी, मैं घर की कोई बात बोलूंगी। तो देखो हमारे घर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे किसी और से जो है इंसाफ लेना पड़े या किसी की दया की मुझे जो है जरूरत पड़े।